मालिकुलर एवोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन बाइनफॉर्मेटिक्स अब जब मालिकुलर एवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि हाउ सिक्वेंसिस हैव इवॉल्व ओवर द टाइम अब दिस एवोल्यूशन के लिए जो स्ट्रेटेजी यूज होती है दैट इज बेसिकली फाइलोजेनेटिक ट्री जिसके अंदर हम रूट लेवल से टॉप लीफ तक आते हैं और ये देखते हैं कि कैसे डिफरेंट स्पीशीज स्टार्ट हुई फ्राम रूट और करंट सिचुएशन में मौजूद हैं एज अ लीफ अब इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली अगर इंप्लीमेंट करना चाहें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइज बायोपाइथन एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है जो हमें फाइलोजेनेटिक ट्रीज़ को कन्वर्ट करने में और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कैसे करता है फॉर दैट देट इट इट्सटार्ट विद द इम्पोर्ट स्टेटमेंट ऑफ फ़ाइलो यानी कि हमारे पास एक पैकेज है जिसका नाम है फ़ाइलो जब हम उसे स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाए बायोपाइथान को तो हम सिंपल स्टार्ट करते हैं यानी कि अगर मैं इस एग्ज़ाम्पल को देखूँ दिस इज़ आवर स्टार्टिंग सिम्पल और इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि फ्राम बायो इम्पोर्ट फाइलो यानी कि बायो क्ला पैकेज में से फाइलो पैकेज को इम्पोर्ट कर लो कि बायो पूरा फ्रेमवर्क है जिसमें से एक पैकेज है फाइलों का जो हमें हेल्प करेगा इन जनरेशन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री या उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा अच्छा अब इसकी जो इनपुट और आउटपुट है दैट इज़ वेरी सिमिलर टू सिक्वेंस इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट्स सिकवेंस इनपुट आउटपुट क्या था जहाँ पर आप सिक्वेंस को इनपुट करते थे या आउटपुट करते थे मीन्स के यूजर से या यूजिंग मुख्तिक डाटा बैंक हम इनपुट्स करवाते थे डिफरेंट सिक्वेंस को फिर हमारे पास मेथड हैं रीड का पार्स का अब ये मेथड्स हमारे पास क्या करते हैं कि ये हमारे पास सिंगल या मल्टीपल ट्रीज़ को इन डिफरेंट फॉर्मेट्स सच एज न्यूक नेक्सस एंड फाइलो एग्जामल फॉर्मेट्स जो बेसिकली फाइल्स के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं उनमें क्रिएट करने में हेल्प करते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्रीज माइट बी हाईरा कर फ्राम लेफ़्ट टू राइट और फ्राम टॉप टू डाउन तो अब ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो हमें ट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन को प्रजेंट करने में हेल्प आउट करते हैं देन ट्री आयो अब इसमें हमारे पास अगेन रीड और हमारे पास पार्स का मेथड हमने देखा देन वी हैव राइट और देन कन्वर्ट का राइट हमारे पास क्या करेगा कि जो हमारा ट्री बना है उसे किसी और फॉर्मेट में राइट कर देगा सेव कर देगा इससे मुराद क्या है कि जो हमारा ट्री जनरेट हो रहा है क्या वो ग्राफिकल फॉर्मेट में सेव हो रहा है या टेक्स्टल फॉर्मेट में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहता हूँ कि नोड इज़ बिटवीन ए एंड बी तो अब वो क्या नोड सिंपल हमारे पास टेक्स्ट में सेव है एज नोड या वो ग्राफिकली हम शो करें कि हमारे पास एक स्टार्टिंग नोट है फिर ए एक साइड पे है और बी एक साइड पे है तो ये सब फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं इन राइट कमांड देन वी हैव कन्वर्ट स्टेटमेंट विच कन्वर्ट्स टू फॉर्मेट्स इन वन स्टेप यानी कि मल्टी डिफरेंट फार्मेट्स को एक जैसा बनाने में कन्वर्ट करने में हमारे पास कन्वर्ट की कमांड अवेलेबल है यहाँ पे हमने थोड़ी सी फैलोजन ट्री की इनपुट आउटपुट की एग्जांपल्स बताई हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ स्ट्रिंग्स को अपने पास स्टार्ट करूँ तो मैं कमांड क्या लिखूंगा फ्रॉम सी स्ट्रिंग आयो सी स्ट्रिंग आयो हमारी एक स्ट्रिंग की इनपुट आउटपुट लेने की कमांड है इनपुट इम्पोर्ट स्ट्रिंग आयो अब ये क्या है कि अब जब ये हम इम्पोर्ट आयो मैं स्ट्रिंग आयो कर रहा हूँ तो मैं किसी भी किस्म की स्ट्रिंग्स को इनपुट ले सकता हूँ इन बायोपाइथन और इसी तरह उनकी आउटपुट जनरेट कर सकता हूँ अब मैं क्या नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हैंडल का जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ स्ट्रिंग आयो ए बी ये दो स्ट्रिंग्स इकट्ठे फिर सी दरमियान में और डी ई e. इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आ रहा है कि अगर हम इसकी मदद से ट्री बनाना चाहें तो हमारे पास क्या होगा ऐसी नोड्स आएंगी या क्लियर जिसको हम वर्ड यूज़ करते थे कि ए बी एक साथ होंगे फिर सी उनके दरम्यान में और डी अलग होंगे और फाइनल ट्री जो बनेगा वो ए बी सी डी ई को कम्बाइन करके करेगा जैसे ए बी जो है वो हमारे लेफ्ट साइड पर फिर डी राइट साइड पर और सी मिडल में और एंड में वो तीनों कम्बाइन हो जाएंगे और इसके लिए जो हमारे पास ट्री जनरेशन का मेथड है दैट इज़ फाइलो डॉट रीड और हैंडल और न्यूइक यानी कि न्यूइक फार्मेट में इसको जनरेट कर देगा यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ वो जनरेट किया हुआ होगा प्री कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है प्री कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो अब हम नेक्स्ट स्टेप ये देखना चाहते हैं कि जो हमने ट्री जनरेट किया उसमें हम ब्रांचेस की लेंथ डाल दें अब वो कैसे डाल दें उसके लिए अगर हमने जो यहाँ पे किया हमने मेथड किया फाइलो डॉट रीड स्ट्रिंग आयो उसमें ए वन बी वन और टू और फिर सी टू डी वन ई वन 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 और ये न्यूक अब ये बेसिकली क्या कर रहा है ये बता रहा है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग्स बनेंगी ए और बी जो हैं उनमें टू की लेंथ है इसी तरह जो सी और इसी तरह डी वन डी और ई हैं उनमें भी वन की लेंथ है और फिर सी वाली जो है वो भी वन की लेंथ है यानी कि अब ट्री हमारा इस तरह का बनेगा ए और बी लेफ्ट साइड पर डी ई e, राइट साइड पर सी दरमियान में और उनकी ट्रीज की लेंथ भी हमारे पास आएगी अच्छा और फाइनली फिर क्या है अगर हम इस ट्री को प्रिंट करना चाहते हैं तो जब हम इसे व्यू प्रिंट करेंगे जो लास्ट में हमने प्रिंट ट्री की एग्जाम्पल दी है कमांड दी है तो ये हम एक जेनेट्री ट्री दिखा देगा जिसके अंदर हम अपने ऑप्शन देख सकते हैं अब पाइथन की खूबसूरती ये है कि ये ट्री हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं और टेक्चुअल फार्मेट में भी देख सकते हैं